अस्सलाम वालेकुम, खुशाब लाइन में खुश हमदीप। दोस्तों, जैसा कि सऊदी अरब की फ़्लाइट जो है ओपन हो चुकी हैं, बहुत सारे दोस्तों ने टिकटें खरीद ली हैं और करंटीना पैकेज भी खरीद लिया है, और कुछ फ़्लाइट जो हैं वो सऊदी अरब के लिए रवाना भी हो चुकी हैं, कुछ लोग वहां पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जो है सऊदी अरब वजारत सेहत की जानब से एक नया बयान जारी किया गया है, एक नया पैगाम जो है कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो है वो जारी किया गया है। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसकी बूस्टर डोज भी लगवाना होगी। तो बूस्टर डोज जो है दोस्तों किन लोगों को लगवाना होगी और कब से लगवाना होगी, इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि 1 फरवरी 2022 से वो तमाम लोग जो सऊदी अरब आना चाहते हैं उनको बूस्टर डोज लगवाना होगा। बूस्टर डोज का कानून जो है ये 1 फरवरी 2022 से सऊदी अरब में लागू हो रहा है। वो तमाम लोग जो सऊदी अरब में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, या सऊदी अरब से बाहर अपने मुल्कों में गए हुए हैं छुट्टी पर और वापस जो है सऊदी अरब अब आना चाहते हैं, तो 1 फरवरी से पहले अगर वो चले जाते हैं तो फिर तो वही जो वैक्सीन की पहली दो डोजें उनको लगी हुई हैं उसी के साथ वो 5 दिन के करंटीना के साथ जो है सऊदी अरब में आ सकते हैं। अगर सऊदी अरब के अंदर से डोज लगी हुई है दोनों, तो फिर उनको करंटीना की ज़रूरत नहीं है। अगर एक डोज सऊदी अरब से है और दूसरी डोज जो है उनको अपने आबाई वतन पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से लगी हुई है तो उनको 3 दिन का करंटीना करना पड़ेगा। बूस्टर डोज जो है ये कब से लग सकती है और कब लगवाई जा सकती है? दोस्तों, सबसे पहले तो इसके लिए शर्त ये है कि जब आपको कोरोना वायरस की दूसरी डोज को लगे हुए 6 महीने का टाइम गुजर जाए तो आप जो है कोरोना की बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, यानी दूसरी डोज के 6 महीने बाद बूस्टर डोज लग सकती है, उससे पहले आप बूस्टर डोज जो है वो नहीं लगवा सकते। इसके अलावा जो है सऊदी अरब ने मजीद 2 महीने का टाइम भी आपको दिया है, यानी आपको 6 महीने हो गए हैं तो मजीद 2 महीने भी आपको रियायत दी गई है सऊदी अरब की जानब से। आपका जो रिकॉर्ड है कोरोना वैक्सीन का वो आपकी जो है तवक्कल एप्लीकेशन या सेहती एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो शो होगा तब तक जब तक आपको 8 महीने नहीं गुजर जाएंगे। जब आपको कोरोना वायरस की दोनों वैक्सीन की डोजें लगे हुए 8 महीने का टाइम गुजर जाएगा और जो है इस दौरान आप बूस्टर डोज नहीं लगवाते तो दोस्तों आप जो है गैर वैक्सीन शुदा तस्लीम किए जाएंगे, आपका जो रिकॉर्ड है सेहती पर या तवक्कल पर वो इम्यूनेट शो नहीं होगा, यानी आप ऐसे ही शो होंगे जैसे गैर वैक्सीन शुदा अफराद होते हैं, आपका रिकॉर्ड वहां पे वैक्सीन का जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये बूस्टर डोज का कानून जो है ये 1 फरवरी 2022 से सऊदी अरब में जो है लागू हो रहा है उन तमाम लोगों के लिए जो सऊदी अरब में जो है वापस आना चाहते हैं काम पर, और जो है 6 महीने का टाइम आपको गुजर गया है वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए हुए और आप सऊदी अरब का सफर करना चाहते हैं तो आपको बूस्टर डोज लाजमी लगवाना होगी। एक तो 6 महीने से पहले आप जो है बूस्टर डोज लगवा नहीं सकते दूसरी वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद, और दूसरा ये है कि 1 फरवरी 2022 से इस कानून का इतलाक हो रहा है, इससे पहले जो है किसी भी इतलाक नहीं होगा। आपको कहीं से भी वैक्सीन लगी हुई है तो मौजूदा जो तरीका कार चल रहा है उसके मुताबिक जो है आप सऊदी अरब का सफर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मजीद ऐसी वीडियोज के लिए देखते रहिए खुशाब ऑनलाइन।